आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा कविता क्रमांक 8 इस कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कविता क्रमांक 8, कविता उड़ान। इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। इस कविता के कवि चंद्रसेन विराट जी हैं, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनका परिचय कुछ इस तरह है। बच्चों ध्यान देना, आप हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है। शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपर। आपने नव गीतों और गजलों से मिली जुली मुक्ताओं में आप आदमी के जीवन को गहराई से देखा है, यानी इन्होंने जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं, उनसे जुड़ा हुआ जो भी है, वो सारी चीजें उन्होंने अपने गजल में ली है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, वो कुछ इस तरह है। मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, ये बच्चों गीत संग्रह है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गजल संग्रह। कुछ पलास, कुछ पाटल और कुछ सपने कुछ सच आदि जो हैं बच्चों मुक्तक संग्रह हैं। तो बच्चों इस तरह इनका परिचय रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी पद्य संबंधी यानी पद्य से जुड़ा हुआ जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। के माध्यम से चंद्रसेन जी अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे विनम्रता, ऊंचे लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व को विकास देते हैं। कहने का अर्थ ये बच्चों कि जो आज की हमारी कविता है वह एक गजल है। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने जो है स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह बच्चों इस कविता में हमें अध्ययन करने को मिलेगा। तो चलो बच्चों हम अपनी कविता पर चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। हम अपनी कविता की पहली पंक्ति पर चलते हैं। हमारी पहली पंक्ति इस तरह है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करती, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करती, जहां हो कंटकों का वन, जहां हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करती। सुमन अर्थात बच्चों पुष्प, फूल। तो इसका अर्थ बच्चों कुछ इस तरह है। जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहां प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं होता। कहने का अर्थ, जहां पर भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हो, वहां पे हमें प्रकाश की किरण नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जहां प्रकाश होगा ही नहीं, वहां उसे मांगने से क्या लाभ। उसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहां फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहां फूल मिलेगा ही नहीं, वहां फूल तो मिल भी नहीं सकता। तो इसी तरह अगर हम मुसीबत में घिरे हो और उस समय अगर हमें सहायता की जरूरत हो तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर कंटकों का वन, जहां चारों तरफ कांटे ही कांटे हो, वहां सुमन मांगना व्यर्थ है, पुष्प मांगना व्यर्थ है। तो
अब हम आगे अपनी अगली पंक्तियों पर चलते हैं। हमारी जो अगली पंक्तियां हैं बच्चों, वो इस तरह हैं, जैसे जिसे अधिकार आदर का, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ इस तरह है, जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है, जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है, वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? विनम्र। विनम्र यानी एकदम नम्र स्वभाव, नम स्वभाव का। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती, यानी जिसका स्वभाव अच्छा हो उस व्यक्ति को जरूरत ही नहीं पड़ती कि दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग उसके सामने नतमस्तक हों, उसे नमस्कार करें। अपने आप ही लोग उसे नमस्कार करने लगते हैं। उसी तरह ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, यानी जिसका स्वभाव विनम्र हो उसको लोग स्वयं ही, खुद ही जो है नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे आदर देते हैं। तो बच्चों इस तरह इन पंक्तियों का अर्थ हुआ। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगली पंक्ति पर चलते हैं। हमारी अगली पंक्तियां इस तरह है बच्चों, परों में शक्ति हो तो नाप लो, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पक्षी, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि जो कवि कह रहा है, यानी पक्षियों की उपमा देकर कवि हमें बताना चाहता है कि उसके पंखों में अगर शक्ति है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो पूरे आकाश में, खुले आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है, उसे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती, यानी उसे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि अगर उसके मन में लालसा है काम करने के प्रति, यानी हमारे मन में, यानी हमारे मन में अगर काम करने की लालसा होगी तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमें काम करने से कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई किसी सीमा में नहीं बांध सकता। जिस प्रकार यहाँ पे कवि ने हमें पक्षियों की उपमा दी है, क्या कहा है उन्होंने कि अगर उसके पंखों में शक्ति है तो वो पूरे आकाश में उड़ सकता है, उसी तरह अगर हमारे मन में काम करने की शक्ति है तो हम पूरे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई किसी सीमा में नहीं बांध सकता। तो चलो अब हम चलते हैं हमारी अगली पंक्तियों पर। हमारी जो अगली पंक्तियां हैं वो इस तरह है, जिसे मन प्राण से चाहा, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते हैं, सपन तो खुद ब खुद आते हैं नयन मांगा नहीं करते। इस तरह बच्चों ये हमारी अगली पंक्तियां। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। इन शब्दों में कवि हमें कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जिसे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, हमें उसके सपनों में बुलाने की जरूरत नहीं, यानी हमारे सपनों में उसको निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद ब खुद स्वयं ही हमारी आंखों में स्थान पा जाता है, यानी स्वयं ही वो हमारे सपनों में आने लगता है, हमें उसे याद करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हमारे दिल में आकर बस जाता है, यानी जो हमसे, हमें जिससे बहुत प्रेम होता है, बहुत स्नेह होता है, उसको हमें बुलाने की जरूरत नहीं, उसे याद करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद हमारे यादों में आ जाता है। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ। हमारी जो अगली पंक्तियां हैं उस पर ध्यान दी, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? जो लोग अपनी गलतियां जानकर उसे तुरंत सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन गलतियों पे खुद ब खुद उन्हें पश्चाताप होने लगता है,
तो उन्हें किसी बाहर वाले व्यक्ति को की बताने की आवश्यकता नहीं है। बाहर वाले व्यक्ति को बताने की कोई चेताने की कोई जरूरत नहीं, यानी उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें खुद ब खुद अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तो इस तरह बच्चों कवि ने यहाँ पर हमें मानवीय गुणों का परिचय दिया है। चलो अब हम अपनी अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। अगली पंक्तियों की तरफ, हमारी जो अगली पंक्तियां हैं बच्चों वो इस तरह हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, उसको भारी थकान होती है। यहाँ पे कवि के क्या कहने का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे उसे उतनी अधिक थकान होती है। कहने का अर्थ यानी अगर व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा है तो उसे अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और वो जितना अधिक काम करेगा उतना ही उसको थकान महसूस होगी। तो कवि का कहने का अर्थ यही है कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। चलो अब हम चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। हमारी जो अगली पंक्तियां हैं बच्चों वो इस तरह हैं। बोलता कम जो देखता ज्यादा, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कवि का? कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है उसकी आंख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ यही है ना, जब तुम बाजार जाते हो, कोई सामान लेते हो, तो उसको उस सामान को बहुत अच्छी तरह से देखते हो, टटोलते हो, समझते हो, फिर उसके बाद ही तुम उस सामान को लेते हो। तो इसी तरह यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो है बहुत देखता ज्यादा है और कम जो है बोलता है, बोलने का काम कम करता है, लेकिन हर एक चीज को, हर एक परिस्थिति को, हर एक वस्तु को वो देखता है, परखता है, और उसके बाद ही वो अपना अनुभव उस पर जो है वो करता है, और उस अनुभव के हिसाब से वो बातें करता है, यानी उस अनुभव पर ही वो अपना फैसला, अपना अनुभव पर ही अपना फैसला, यानी अपना जो डिसीजन उसको लेना रहता है वो लेता है। तो कवि इसीलिए यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बोलता कम जो देखता ज्यादा, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। तो इस तरह कवि हमें कहना चाहते हैं। चलो बच्चों अब हम चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों पर। कविता की जो अगली पंक्तियां हैं वो इस तरह हैं। बस हथेली ही हमारी हमको, बस हथेली ही हमारी हमको, धूप में सायबान होती है, धूप में सायबान होती है। कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? कहने का अर्थ हुआ कि जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं, अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं तब हमें स्वयं उसका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। यानी जब हमारे पास बहुत सारी मुसीबत होती है और उस वक्त उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ती है, हमें ही प्रयत्न करना पड़ता है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह कवि हमें कहना चाहते हैं कि जब कड़ाके की धूप पड़ती है उस समय जो है हमारा हाथ ही हमारे सर पर जाता है, अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता, अपने हाथ को आज्ञा नहीं देनी पड़ती, अपने आप वो स्वयं ही अपना हाथ जो है हमारे सर पर जाता है और हमें छाया प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह यहाँ पे कवि भी कह रहे हैं कि अगर तुम मुसीबत में फंसे हो तो उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ही कोशिश करनी होगी, तुम्हें ही प्रयत्न करना होगा। तो इस तरह यहाँ पे कवि का कहने का अर्थ है कि बस हथेली ही हमारी हमको, धूप में सायबान होती है। पंक्तियों की तरफ चलते हैं। हमारी जो अगली पंक्तियां हैं वो इस तरह हैं। एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। कहने का अर्थ यहाँ पर कवि का क्या है? कवि के कहने का अर्थ है एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके वही जिंदगी है। यानी हमारा जीवन कैसा है, अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो अगर हमें दूसरा कोई साथ देता है
तो हम उस जिंदगी को अच्छी तरह आराम से हम जी सकते हैं, हम अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, एक गूंगा है ना, वो बोल नहीं सकता, और एक बहरा है। और अगर गूंगा बहरे को अपनी बात जो है बता सके, बात कर सके, और वही जिंदगी होती है। तो चलो अब चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। हमारी जो कविता की अगली पंक्तियां हैं वो इस तरह है, तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे कवि के कहने का अर्थ होता है कि जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींच सकता है, उसका ही तीर दूर तक जाता है। यानी अगर धनुर्धारी व्यक्ति है और वो अपनी तीर की जो कमान है उसको खींच रहा है, और जितना ज्यादा वो खींचेगा उतनी दूर तक तीर जाएगा। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। यानी व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो जितना ऊंचा होगा, जितना बड़ा होगा, उसकी पहुंच भी उतनी बड़ी होगी, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक यानी उतनी बड़ी होगी। ठीक है ना बच्चों? चलो कविता की अगली पंक्तियों की तरफ हम चलेंगे। कविता की जो अगली पंक्तियां हैं वो इस तरह है, खुशबू देती है एक शायर की, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कवि के कहने का अर्थ है कि एक शायर है, एक शायर की जो जिंदगी है वो धूपदान के समान होती है। किसकी तरह? धूपदान की तरह। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को, पर्यावरण को सुवासित करता है, सुगंधित करता है, उसी प्रकार शायर की जो प्रसिद्धि जब चारों तरफ फैलती है तब उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। तो यहाँ पे कवि के कहने का अर्थ यही है कि खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूप दान होती है। ठीक है ना बच्चों? चलो अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय पर जो हमारा स्वाध्याय है वो इस तरह है। नंबर एक, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आपको सूचनाएं दी हैं, उसके अनुसार से आपको कृति करनी है। तो नंबर एक, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। मैंने आपको क्या प्रश्न दिया? सही विकल्प आपको चुनना, यानी यहाँ पर अधूरा वाक्य दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में से आपको उत्तर जो है, सही उत्तर आपको ढूंढना है और ढूंढकर लिखना है। जैसे मैंने आपको प्रश्न दिया, परों में शक्ति हो तो क्या होगा? परों में शक्ति हो तो पहला ऑप्शन, उपलब्ध नभ को नापना है, उसी तरह दूसरा, उपलब्ध जल को नापना है, उसी तरह तीसरा, तीसरा क्या है बच्चों? भू को नापना है। किसको नापना है? भू को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा उपलब्ध नभ को नापना है। ठीक है ना बच्चों? अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो पर। जो हमारा प्रश्न क्रमांक दो है वो इस तरह है बच्चों, सुलगते आप बाहर से। क्या है प्रश्न? सुलगते आप बाहर से। अब इसका उत्तर आपको यहाँ पर ढूंढना है और ढूंढकर लिखना है। इसका पहला ऑप्शन है, तपन नहीं मांगा करते, दूसरा, अगर नहीं मांगा करते, और तीसरा है बच्चों, बुझन नहीं मांगा करते। तो इसका उत्तर क्या होगा? अगर नहीं मांगा करते, इसका सही उत्तर यही है। तो इस तरह बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है ना बच्चों? चलो अब हम आगे चलते हैं। संजाल, संजाल में प्रश्न क्रमांक एक जो है वो इस तरह है, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। कौन से मानवीय गुण? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं, नंबर एक, नमन। नंबर दो क्या है? आदर। उसी तरह नंबर तीन, शक्ति, और नंबर चार, पश्चाताप। तो इस तरह बच्चों ये चार मानवीय गुण जो आपकी कविता में आए हुए हैं वो आपको लिखना है। चलो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीन की तरफ। प्रश्न क्रमांक तीन जो है वो बच्चों
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए, यानी यहाँ पे जो पंक्तियां मैंने आपको दी है उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है, और उसका क्या अर्थ कवि ने यहाँ पर बताया है, उसका क्या अर्थ मैंने आपको समझाया, उसे आपको समझकर यहाँ पर लिखना है। जो मैंने आपको कविता को समझाते समय, कविता को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, तो अब आपको उसको समझकर यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है बच्चों, ठीक है ना? चलो अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो इस तरह है, कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए, यानी कविता के द्वारा कौन सा संदेश दिया गया है वो आपको लिखना है। तो इस कविता के द्वारा कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपना व्यवहार विनम्र रखना चाहिए, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ऊंचा लक्ष्य रखता है उसको सफलता भी उतनी अधिक मिलती है। कठिनाई के समय कोई अन्य हमारी सहायता नहीं कर सकता, हमें स्वयं उससे बाहर निकलना होता है। तो इस तरह इस कविता के द्वारा हमें कवि ने प्रेरणा दी है, हमें संदेश दिया है, तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैंने आपको बता दिया, अब आपको उसे अपने शब्दों में सोचकर लिखना है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है वो इस तरह है, कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों मैंने व्याकरण में आपको समझाया है कि कविता में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं, व्याकरण में मैंने आपको यह बता दिया है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। अब कविता को आपको ध्यान से देखना है, उसमें कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं, अल्प विराम, वियोजक चिन्ह, पूर्ण विराम, तो उसका वाक्यों में भी प्रयोग करके आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इस तरह आपको पूरा प्रश्न स्वाध्याय पूरा करना है और लिखना है। चलो अब हम आगे चलते हैं। द्वारा हमें यही संदेश प्राप्त होता है कि जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उस व्यवहारिक जीवन के लिए हमें अनेक संदेश यह कविता देती है। हमें अधिक बोलने के स्थान पर निरीक्षण करना चाहिए, हमें हमारी गलतियों पर पश्चाताप होना चाहिए, और हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। अगर हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तो हमें सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी। इस तरह हमें कठिनाइयों से डरना भी नहीं चाहिए, उसको डट कर सामना करना चाहिए, और कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, हमें खुद ही हमारी सहायता करनी होगी। तो इस तरह बच्चों ये कविता पूर्ण होती है। धन्यवाद।